मित्र, जंगल की बात करता हूँ। एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकड़बग्घा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। उसे चीता रोमांचित था सर। हाँ हाँ हाँ, लकड़बग्घा हंसा। अरे अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार का कोई अनुभव ही नहीं, तुम क्या शिकार करोगे? अरे जाओ अपने पापा के साथ बैठो और खेलो कूदो। लकड़बग्घे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो बेमन इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वह एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, चीता बोला। बहुत अच्छे, बंदर बोला, अब तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम्हें बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्दी सफलता मिलेगी। यह सुनकर चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे से हिरन का शिकार कर लिया। मित्रों, हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही स्फूर्ति और वही ताकत थी, पर जिस दिन उसे डिस्करेज किया गया वह असफल हो गया और जिस दिन उसे इनकरेज किया गया वो सफल हो गया। तो सर, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को इनकरेज करें, डिस्करेज नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे उसकी कमियों से अवगत ना कराएं या बस झूठ में ही इनकरेज करें। दूसरी बात, हम ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा निगेटिव सोचते और बोलते हों, और उनका साथ करें जिनका नज़रिया बेहद ही पॉजिटिव हो। तीसरी और सबसे अहम बात, हम खुद से क्या बात करते हैं, सेल्फ टॉक में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी ज़िंदगी की हकीकत बनकर सामने आ जाते हैं। इसलिए प्यारे मित्र, शब्दों की ताकत को पहचानिए, जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करिए। इस बात को समझिए कि यही आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में सर, एक चीज़ मैं छोटी सी घटना और भी बताता हूँ कि एक बार दो लोगों का आपस में मुकाबला हो रहा था, तो जिसमें एक लड़का असाधारण रूप से बलवान था और दूसरा लड़का बिल्कुल कृशकाय, दुबला पतला, छोटा सा था। तो दोनों आपस में लड़ने लगे, तो जो छोटा वाला बच्चा था उससे किसी ने पूछा कि अरे यार, ये तो इतना विशाल काय है, तुम इससे कैसे लड़ोगे, तुम इससे कैसे पार पाओगे, तो इसका तो इतना बड़ा कद है, इतना इसमें मोटाई, इतनी है। तो उसका देखिए कितना, बच्चे ने खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि इसका इतना बड़ा कद है कि मैं जो भी तीर मारूंगा वो निशाने से हटेगा नहीं, इसके किसी ना किसी अंग में लग जरूर जाएगा। तो वो पॉजिटिव रवैये के साथ गया, उसने बड़े बड़े विशाल काय बालक को मार गिराया। तो सर, कद से कुछ नहीं होता है और किसी चीज़ से कुछ नहीं होता है, हमारा अपना नज़रिया, हम किसी चीज़ के बारे में क्या समझते हैं, यही हमारी जीत या हार तय कर देता है। तो इसका ध्यान रखें और उस हिसाब से आगे जीवन में कदम बढ़ाएं पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तो इस वीडियो की बात यहीं तक। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्रिप्शन के लिए और लोगों से बोलें। थैंक यू साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाएं। और वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। और सर, प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़े, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो क्वालिटी और बढ़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे।